नमस्कार प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बुलंदशहर और मथुरा के दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया, अब जनता चुनाव में उन्हें हार की डोज लगाएगी। तो चलिए सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। यूपी विधानसभा 2022 का चुनावी शंखनाद बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुके हैं और पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो वहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मथुरा और बुलंदशहर के दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था, कोरोना से बचाव के लिए जो भी हो सकता था बीजेपी की सरकार ने किया, और जो लोग वैक्सीन के खिलाफ प्रचार कर रहे थे उनके मुंह पर जनता ने वैक्सीन की डोज लगवा कर जोरदार तमाचा मारा है और अब चुनाव में विरोधियों को हार की डोज लगवानी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की लाल टोपी मुजफ्फरनगर दंगों के हिंदुओं व राम भक्तों के खून से सनी हुई है। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहाता उनके खून से रंगाई बिरंगी हुई टोपी है, वो राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया और इसका मतलब अवसरवादिता। ये लोग कोरोना में कहीं दिखाई दिए थे, कभी नहीं, संकट में नहीं आएंगे, चुनाव के समय ही दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं, हम लोग संकट में भी थे। तो वहीं वैक्सीन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अतरौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे कि ये बीजेपी का टीका है और हम नहीं लगवाएंगे। उन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन बाद में खुद भी टीका लगवा लिया। तो उधर बीजेपी ने अपने 17 और उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि जिसमें बीजेपी ने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से योगी सरकार में विधायक और मंत्री रही स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह ईडी से वीआरएस लेकर आए अफसर राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। स्वाति सिंह ने टिकट कटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। जी हां, सपा और भाजपा के बीच इस बार यूपी में कांटे की टक्कर है और ये तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बचा है और ऐसे में जुबानी जंग तेज हो गई है और लगातार सपा और भाजपा दोनों के बीच कटाक्ष देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर वार और आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प हो गया है कि इस राजनीति का परिणाम क्या होगा। 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तब तक ऐसे ही चुनावी रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।